प्रायोजक B6 कैप्सूल और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा दोहरा चरित्र आया सामने, पहले एपीएमसी एक्ट में संशोधन का समर्थन करने वाले अब कर रहे भारत बंद का समर्थन। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बोला हमला, कहा कांग्रेस शासन में कृषि बिल लाने की थी तैयारी, अखिलेश के प्रदर्शन पर भी साधा निशाना। भारतीय किसान संघ ने भारत बंद से बनाई दूरी, कहा जब बातचीत चल रही हो तब ऐसे कदम ठीक नहीं, राष्ट्र विरोधी ताकतें फैलाना चाहती हैं अराजकता। किसानों के समर्थन में एसपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, किसान आंदोलन के समर्थन में निकाल रहे थे जुलूस। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के कल बुलाए गए भारत बंद का बीएसपी ने भी किया समर्थन। भारत बंद से पहले आईएसआई की बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली के शकरपुर से 5 आतंकी गिरफ्तार, शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या का मेन शूटर भी पकड़ा। किसानों के समर्थन में बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने किया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वापस करने का ऐलान, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी किया आंदोलन का समर्थन। यूपी के गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 2 जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू। पीएम मोदी ने किया आगरा मेट्रो परियोजना का शिलान्यास, सीएम योगी भी रहे मौजूद। किसान आंदोलन की वजह से डीएनडी पर लगा 3 किलोमीटर का लंबा जाम, किसान आंदोलन की वजह से डीएनडी का एक ही रास्ता खोला गया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी, उत्तराखंड से आए कुछ किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली की चर्चा हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज आखिरी दिन, कोर कमेटी के साथ बैठक जारी। आगरा में बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह, पूरा मामला आईएसबीटी का। मऊ में 1 साल की बच्ची से रेप की कोशिश का मामला आया सामने। मुरादाबाद में पैसों के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोप है कि गोली मारने के बाद आरोपी ने ईंट से सिर पर कई बार किए। कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मांगने वाली पहली कंपनी स्वदेशी कंपनी बनी सीरम, इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई से मांगी अनुमति। दिल्ली और एनसीआर में आज घना कोहरा, कोहरे की वजह से हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसे की खबर, घने कोहरे की वजह से 6 से ज्यादा गाड़ियां टकराई। मथुरा के वृंदावन में होने वाले कुंभ मेले को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सीएम ने संत समागम 2021 की तैयारियों पर समीक्षा की। प्रयागराज में गोदाम में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई गई आग लगने की वजह। रुद्रप्रयाग जिले की 4 तहसील में तहसीलदार नहीं, प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे लोग। उत्तराखंड सरकार के 105 डिग्री कॉलेजों में वाईफाई इंटरनेट की सुविधा देगी, दिसंबर के आखिरी तक सभी डिग्री कॉलेज में मिल जाएगी सुविधा। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य में सुधार, मणिराम दास छावनी में बनाया जा रहा आईसीयू। अपनी पुरानी चिट्ठी पर फंसे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, केंद्र में कृषि मंत्री रहते हुए राज्य सरकारों को लिखी थी चिट्ठी, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता का किया था जिक्र। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के 4th चरण में चुनाव में वोटिंग, कश्मीर और जम्मू की 17 सीटों पर मतदान। बेलारूस में नहीं थम रही आंदोलनकारियों की संख्या, राजधानी मिन्स्क में हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ किया प्रदर्शन। यस बैंक के निवेशकों के लिए गुड न्यूज, यस बैंक की आर्थिक सेहत में धीरे धीरे सुधार, मार्केट कैप में इजाफा। इंडिया में 500 अरब डॉलर से ज्यादा का एफडीआई आया, सबसे ज्यादा एफडीआई मॉरिशस से आया।
कोरोना महामारी के चलते जर्मन